जहानाबाद के कल्पा पंचायत में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा उद्घाटन एवं शिलान्यास कार्यक्रम को माले विधायक ने जनता के पैसे का दुरुपयोग बताया। आरोप लगाते हुए विधायक रामबली सिंह यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शिलान्यास एवं उद्घाटन करने पहुंचे थे, लेकिन यहां के दलित महादलित एवं अति पिछड़ा से जिस तरह से छुआछूत की तरह व्यवहार किया, आने वाले दिनों में जहानाबाद जिले की महान जनता उनसे बदला लेने का काम करेंगी। दरअसल मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में 10 सूत्री मांग पत्र सौंपने पहुंचे जहानाबाद जिले के घोसी विधानसभा के माले विधायक रामवली सिंह यादव ने कहा कि जिस तरह से जनप्रतिनिधियों के साथ धक्का मुक्की और दुर्व्यवहार किया गया उनके अंगरक्षक के द्वारा, इससे साफ जाहिर होता है कि मुख्यमंत्री जी की मंशा क्या है। विधायक ने कहा कि चिलचिलाती धूप में कल्पा गाँव के सैकड़ों की संख्या में महादलित परिवार मुख्यमंत्री से अपना दुखड़ा सुनाने के लिए पहुंचे थे, लेकिन मुख्यमंत्री उनकी तरफ देखना भी मुनासिब नहीं समझे। सभी महादलित परिवार के लोगों को उनके घर में कैद कर दिया गया था। इतना ही नहीं, जब हम भी मांग पत्र सौंपने गए तो मुझे भी वहां से धक्का देकर बाहर कर दिया गया। मैं घोसी की जनता का जनप्रतिनिधि होने के नाते लोगों के पीने के पानी के लिए मांग पत्र सौंपने आया था कि मुख्यमंत्री से कई गाँवों में जहाँ पीने के पानी में हाहाकार मचा हुआ है वहाँ पानी की व्यवस्था करें, लेकिन मुख्यमंत्री के सुरक्षा में रह जवानों ने मेरे साथ धक्का देकर मुझे बाहर कर दिया। माले विधायक ने कहा कि जिस तरह से जनप्रतिनिधियों के साथ साथ दलित एवं अति पिछड़ा के साथ मुख्यमंत्री का बर्ताव कार्यक्रम के दौरान किया गया वह काफ़ी निंदनीय है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमेशा दिखावट के लिए दलित महादलित एवं अति पिछड़ा की बात करते हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर हकीकत साफ आ गई है कि अभी भी मुख्यमंत्री दलित महादलित एवं अति पिछड़ा से छुआछूत वाला भेदभाव करते हैं। का कार्यक्रम था और आपको देखे कि चार चार पुलिस मिलकर आपको खींच रहा जी, जी, कैसा काफी, लगा? काफी दुखद क्षण का सामना आज हमने किया है। हम मैं उम्मीद करके आए थे कि माननीय मुख्यमंत्री जी महादलितों की बात करते हैं, अति पिछड़ों की बात करते हैं, हम उनकी समस्याओं पर आधारित एक 10 सूत्री मांग पत्र लेकर के आए थे। हमें लगा कि वो सर स्वीकार करेंगे, लेकिन उनके पास तक उनके पुलिस जाने तक नहीं दिया गया, धक्का धुकी किया गया। लग रहा है कि जैसे पूर्व काल में गरीबों से लोग छुआछूत करते थे, इनको भी गरीबों की समस्याओं से छुआछूत की भावना है, ये हमको दिखाई पड़ा। यहाँ के मुखिया, जब मुझे मालूम हुआ कि भाई मुखिया बड़ा चर्चित काम किया है, पंचायत सरकार भवन बनाया है, लेकिन कल ही मुझे मालूम हुआ कि उनका कहीं भी शिलापट पर नाम नहीं है, उनको संघर्ष करना पड़ रहा है। ये जो सजा हुआ है, ये गाँव की महान जनता, पंचायत के मुखिया, वार्ड सदस्य, इन लोगों ने मिलकर के जो कुछ भी हो सका सजाया है, संवारा है, और उनका नाम शिलापट पर ना हो, उनको शिलापट पर नाम लिखाने के लिए बोलना पड़े, संघर्ष करना पड़े, ये काफ़ी दुखद क्षण आज देखने को मिला। और हम लोगों को तो धक्का देकर के बाहर किया गया, माननीय नीतीश कुमार जी घूर कर ताके भी नहीं हम लोग के तरफ, ये बहुत दुखद क्षण आज हम लोग जिसके सामने। लोगों को भी उनके घर में कैद कर, बिल्कुल हम लोग देख रहे हैं, बांस लगा हुआ है, गाँव के खास करके गरीब के मांझी टोले के लोग, अति पिछड़े समाज के लोग इंतजार कर रहे थे अपने माननीय मुख्यमंत्री का एक बार चेहरा देखें, लेकिन यह अवसर नहीं मिला। करके माननीय नीतीश कुमार जी गए हैं, यहाँ की महान जनता को इनसे बदला लेना चाहिए आने वाले दिनों में। क्या लगता है इस सरकारी पैसे का दुरुपयोग? बिल्कुल खूब दुरुपयोग है, अभी देख नहीं रहे हैं आप, लोग मशक्कत कर रहा है, राह चलने के लिए सड़क ठीक ठाक नहीं है, पानी नहीं लोगों को मिल रहा है। सावन के महीना में मैं अपने घोसी विधानसभा क्षेत्र के भारतू में, माधोपुर में, पुरनका बिघा में टैंकर से पानी भेजवाए हैं सावन के महीना में, और आज यहाँ देख लीजिए कि किस तरह से पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। कल से फिर वही हो जाएगी सड़क, और हम बात करने आए हैं कि भाई पेयजल संकट दूर कीजिए, आपका नल जल फेल है, चापा कल आप विधायकों को नहीं दे रहे हैं, लेकिन नहीं, बिल्कुल सुनने ही नहीं चाहा उन्होंने। ये काफी दुख आज मुझे हुआ है, और निश्चित रूप से पूरे घोसी के और जहानाबाद के महान जनता इसको देख रही है, आने वाले दिनों में जवाब देगी।